मेरा चेहरा जरूर एक बार दिखा देना उसको। ये है मिस्टर सोनू कुमार यादव जी, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लाइफ में पहली बार इतने पिछड़े हुए थे ये, लेकिन आज पहली बार इन्हें जब पहाड़ों में गाड़ी चलाने को मौका मिला, इतने एक्साइटेड हैं ये। आप देख सकते हैं ये रोड जो काठमांडू से चलकर बीरगंज के लिए आती है, सिंधली वर्दीवास होते हुए। आई थिंक, मुझे पता नहीं क्लियरली, लेकिन लोगों से सुना है कि ये जापान सरकार ने बनाई है, जापानीज गवर्नमेंट बनाई है। जिसने भी बनाई बहुत अच्छा बनाई, अच्छा लगा। ये आप सीन देख सकते हैं, शाम का समय है, हल्के हल्के ही एक्सीलेटर देकर मिस्टर सोनू कुमार यादव गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये देखा गया है, इसमें हमारे एक बुजुर्ग साथी हैं, देख सकते हैं बुजुर्ग साथी, और ये हमारे जीजा जी हैं। ये बुजुर्ग साथी जो थोड़ी देर पहले बहुत मूड में थे, वो चाह रहे थे कि ना मैं ही ड्राइविंग करूं, लेकिन आखिरकार इनका अवस्था देखते हुए, इनकी आंखों के नशा को देखते हुए हम लोगों ने इनके पर ब्रेक लगा दिया। अब आप देख सकते हैं गाड़ी चल रही है, शाम का समय है, सूर्यास्त होने को है, सूरज की लाली धीरे धीरे मध्यम होते हुए हल्के हल्के सही सही, लेकिन हम लोग अपने गंतव्य स्थान की तरफ अग्रसर हैं। सोनू जी ड्राइव तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा योगदान हम लोगों का भी जाता है। अभी सिगरेट पी रहा हूँ मैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, तब तक आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। कितना टाइम लगा उसको भी तो बताइए, 14 साल बोल दीजिए। अकॉर्डिंग टू पब्लिक, ये ऑथेंटिक न्यूज मेरे द्वारा नहीं है, बट पब्लिकली लोगों का कहना है कि इस रोड को बनाने में अप्रॉक्सीमेट 14 साल लगे हैं, जो जायज़ है, लगे होंगे। ये हम भी इस रास्ते को देखने के बाद हमें भी ये महसूस हुआ कि इस रास्ते को बनाने में इतने समय लगे होंगे। कारण ये है कि बहुत ही अच्छे आफरीन, अभी तक हम लोगों ने हिलों में बहुत सारे हिल घूमे, इंडिया के बहुत सारे हिल को देखे, बट ऐसा रास्ता पहली बार, सेफ रोड, जो हमारे जो ब्रांडी लाल बाबा हैं उनका कहना है कि मुझे पसंद नहीं आया, रीज़न बीइंग कि सेफ रोड, इन्हें सेफ नहीं चाहिए, इन्हें एडवेंचर चाहिए। जहाँ गांड फटी रहे आपकी, अब गाड़ी नीचे जाने वाली है तब गाड़ी नीचे जाने वाली है, जो वही रोड इनको ज़्यादा पसंद है। सो उनके अकॉर्डिंग अच्छा ना लगा, रोड की तारीफ वो भी कर रहे हैं, लेकिन सेफ है इसीलिए उनको बुरा लग रहा है, इतना सेफ तो हो नहीं सकता, क्यों बनाया। अभी आई थिंक हम अभी इस पहाड़ के सबसे टॉपेस्ट स्थान पर, सबसे टॉप में खड़े हैं, बॉटम में, टॉप में, बॉटम में नहीं, टॉप में ही, वही नहीं, ताजमहल को बनाने में 20 वर्ष लगा था ना। ये छोटे छोटे से घर जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से घर, नेपाली लोग हैं यहाँ, संघर्षशील है, यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत मस्त लगी हमें, अच्छी रही, बाय नेचर भी, नेचर तो नहीं पता, लेकिन देखने के लिए मत बोलना, देखने में यहाँ के लोग बहुत ही शालीन, खूबसूरत, किसी से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी कोरेक पूछो, बड़े प्यार से जवाब देते हैं, बहुत ही प्यार से। अभी सामने से एक गाड़ी आ रही है, देख सकते हैं आप, हमारे जो सोनू कुमार यादव हैं बीच बीच में थोड़ा सा हड़बड़ा जा रहे हैं, बिकॉज डिस्टेंस अभी है, अच्छा खासा डिस्टेंस अभी हम लोगों को कवर करना है। ये चाहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी में हम निकल जाएं, अंधेरे होने को आया है, अंधेरे से इनको थोड़ी सी डर लगता है, क्योंकि इनको रतौंधी की बीमारी है, बचपन से विटामिन ए की कमी रही है इन्हें, खाना बीमारी है रतौंधी की, आप देख सकते हैं डिस्टेंस अच्छा खासा है। अभी रोड के अकॉर्डिंग आपको 28-30 पर चलाना है, बट दे सकते हैं ये कभी कभी आपको ये 40-60-50 पर चला दे रहे हैं, जो इनके सेहत के लिए तो ठीक नहीं है, साथ में हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आज हम लोग खुश हैं कि सोनू कुमार अपने पैरों पर खड़ा हो गए हैं ड्राइविंग के मामले में।
और इनकी सील तोड़ दी गई है सील तोड़ने वाले को देख लीजिए मुंह। देखिए ब्रांडी बाबा इस पर कुछ बोलेंगे, इस पर कुछ कमेंट पास करेंगे, तो सिखाए हैं इनको। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। स्कॉर्पियो पीछे, मुझे रोड पसंद नहीं, आप पीछे ले लो। चलो चलो अपना चलो चुपचाप करते रहो। अरे नहीं सेफ रहना हमें, हम अपना सेफ खुद है, रोक के उसको साइड। अभी हमको लगता है बहुत ही ऊंचाई पे आ चुके हैं हम लोग, 11,000 फीट समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पे लगभग पहुंच चुके हैं, जो अभी हम लोग 12,000 फीट ऊंचे जाने वाले हैं, 1,000 फीट और ऊंचा ऊपर जाएंगे लोग। अभी एक कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि इसका ऑथेंटिकेशन कैसे करूं, बिकॉज के जो प्लेट लगे हुए हैं जिस पर डिस्टेंस दिखा हुआ है वो हमसे दूरी पर है, हमारी नंगी आँखें देख सकती है, लेकिन ये कैमरा में कैद नहीं हो सकता। हमारे पास DSLR भी है, लेकिन हम लोगों ने DSLR पैक कर दिया था और DSLR में मेमोरी कम पड़ रहा था, इसीलिए हमें मोबाइल में ये वीडियो करना पड़ रहा है। सो प्लीज़ विश्वास रखें, हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इसमें हमारी कोई फ़ायदा नहीं है इसे झूठ में बोल। तो पीछे से अभी कोई बंधु हैं गाड़ी वाले जो पास मांग रहे हैं, और देखिए आपके सामने ये स्कॉर्पियो वाले बंधु हैं जो थोड़ा सा तेज़ी में निकल रहे हैं। आई थिंक ये नेपाली नंबर है, और ये हो सकता है हम लोगों से एक्सपर्ट होंगे या इस रास्ते के नॉलेज इन्हें ज़्यादा होंगे। एक्सपर्ट के मामले में तो मैं नहीं बोलूँगा, हमें नहीं लगता है कि हमारे ब्रांडी लाल से एक्सपर्ट भी इस दुनिया में कोई हो सकता है, लेकिन ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि इस रोड के नॉलेज उनके पास हमसे ज़्यादा है। सो हमसे स्पीड वो जा सकते हैं, और हम लोग ने जाने दिया। सोनू कुमार तो थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि हम उनको आगे न बढ़ने दें। जब तक हमारे इस मोबाइल में मेमोरी कार्ड है हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी देख सकते हैं आप पहाड़ों पे बसा ये छोटा सा कस्बा सुंदर सा लग रहा है, यहाँ के लोग कितने मौज करते होंगे, कितने अच्छी जगह। ये देखिए बादलों में भी लाली आगे झुका है तो लाइट ज्यादा आएगा। ऐसे सूर्यास्त के कारण अभी आप देख पाएंगे कि बादलों में भी लालीपन आ गया है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ अभी स्क्रीन पर बहुत साफ सुथरी दिखाई दे रही होंगे, ये सूर्यास्त के कारण बादल भी लाल पड़ रहे हैं, और बहुत ही हसीन टाइम है हम लोगों के लिए। आई थिंक मैं थक चुका हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा हमारे ब्रांडी बाबा से कि आगे का कमेंट्री हमारे ब्रांडी बाबा के द्वारा। इतना लंबा चौड़ा कमेंट्री कर दिया और आप आगे का कमेंट्री मेरे संभाल। आगे संभालने के लिए अब आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं हमारे ब्रांडी बाबा। वरना दिए